तेज रफ्तार का एक बार फिर कहर। गाजियाबाद के थाना मुरादनगर गंग नहर में रात को छात्रों की एक कार जो देहरादून से दिल्ली जा रही थी, कार में 6 छात्र सवार थे जो अनियंत्रित होकर डिडोली पुल के पास थाना मुरादनगर गंग नहर में गिर गई, जिसमें 2 छात्र जिन्हें तैरना आता था निकल गए। मौके पर NDRF की टीम द्वारा बाकी छात्रों की तलाश जारी है। मौके पर पुलिस मौजूद है। कार गिरने के बाद हर्षित और अनमोल देसवाल तैर कर बाहर निकल गए। वहीं निशांत चौधरी, हिमांशु चौधरी, सृष्टि जोशी एवं कनिका बिंदल चारों की तलाश के लिए NDRF की टीम लगा दी गई है। निशांत चौधरी गाड़ी चला रहा था, गाड़ी XUV महिंद्रा 500 नंबर UP19B7707 थी, जो थाना मुरादनगर क्षेत्र में डिडोली के सामने किसी अज्ञात वाहन से बचाने के चक्कर में कोहरे के कारण इनकी गाड़ी डिवाइडर से टकराकर नहर में गिर गई। घटना स्थल पर थाना प्रभारी मुरादनगर OP सिंह, CO अंशु जैन, SP देहात नीरज कुमार जादौन, SSP गाजियाबाद कलानिधि नैथानी मौके पर मौजूद रहे। KT लाइव न्यूज के लिए मुरादनगर जनपद गाजियाबाद से यूसुफ खान की रिपोर्ट। जैसा कि हमें रात को इन्फॉर्मेशन मिली थी NDRF की टीम को लगभग 1 बजे के करीब, तो हमारी टीम जो है 1:45 बजे यहाँ पर पहुँच चुकी थी। तो हमें सूचना मिली थी कि एक 4-व्हीलर गाड़ी जो है वो यहाँ पर गिरी हुई है, जिसमें से 4 लोग सवार हैं जो मिसिंग हैं। अभी तक रात 2 बजे से हमारा ऑपरेशन कंटिन्यू चल रहा है। अभी तक रात को ऑपरेशन करने में काफ़ी दिक्कत आ रही थी, जैसे धुंध, ठंड की वजह से और कोहरा वगैरह ज़्यादा था, तो उसकी वजह से ऑपरेशन में दिक्कत आ रही। पर हमारा ऑपरेशन लगातार कंटिन्यू 8 से 10 घंटे हो गए कंटिन्यू चला हुआ है। अभी भी हमारी 2 बोट जो हैं ऑपरेशन एरिया में लगी हुई हैं और रेस्क्यू जो हैं कंटिन्यू सर्च कर रहे हैं। 2 लोग जो बचे हैं वो यहाँ के प्रशासन द्वारा और खुद इवैक्यूएट हुए थे, वो खुद निकल करके अभी कितने लोगों की मिली थी। हमें सूचना मिली थी कि एक 4-व्हीलर गाड़ी जो है नदी में गिरी है और उसमें 4 लोग मिसिंग हैं। सर अब तक कितने लोग मिल गए? अभी तक कोई भी लोग मिलने की मिला नहीं है, पर मिलने की आशंका है, ढूंढ रहे हैं और जब तक नहीं मिलते हैं तो तब तक सर्च ऑपरेशन जो है जारी रहेगा। गंडियार कौन? सर एक XUV गाड़ी देर रात डिवाइडर तोड़ते हुए जा गिरी, जिसमें कि 2 लोग तो बच गए, बाकी 4 लोग हो रहे हैं, क्या पूरा मामला है अब तक? इसमें 6 लोग थे जो कि छात्र बताए जा रहे हैं, और ये गाड़ी जैसा कि बताया गया है देहरादून से इस जगह से होते हुए, मुरादनगर थाना क्षेत्र से होते हुए गंग नहर के बगल से, और ये दिल्ली की तरफ यहाँ से जा रही थी। और इसमें मौके पर जो गाड़ी है वो यहाँ से डिवाइडर से टकराते हुए नहर में गई है, और इसमें से 2 लोग जो हैं उसी समय वहाँ से निकल आए और वो बच गए हैं, वो सुरक्षित हैं। इसके अलावा जो 4 लोग उसमें और थे, निशांत, हिमांशु, श्रुति और कनिका, ये 4 लोगों को बताया जा रहा है, इनको अभी ढूंढा जा रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर चल रहे हैं, NDRF की टीम यहाँ पर आ गई, ऑफिसर्स को शिफ्टवार यहाँ पर लगाया गया है ताकि रात और दिन लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता रहे। सर किस तरह के हादसा हुआ है? ये प्योरली एक एक्सीडेंटल हादसा है जो अभी तक प्रतीत हो रहा है कि टकरा करके और फिर डिवाइडर से टकरा करके गाड़ी जो है अंदर गई है। जैसा कि जो 2 लोग निकल के आए उन्होंने भी बताया है कि इसी सीक्वेंस में ये हादसा हुआ है, और आगे की पूछताछ अभी की जा रही है। परिजनों को सूचित किया गया है, परिजन आ भी गए हैं, एक परिवार यहाँ पे आ चुका है, और रात भर पुलिस लगी रही है और अभी भी हम लोग पूरा प्रयासरत हैं। आसपास के 3-4 थानों के गोताखोरों को भी बुला लिया गया है ताकि और तेज़ी इसमें आए, और हम पूरा कोशिश कर रहे हैं और हमें उम्मीद है कि जल्दी जो है बाकी जो 4 लोग हैं उनको भी ढूंढ लिया जाए। सर जो गाड़ी बरामद हुई है उसमें शराब आदि की बोतलें भी बरामद हुई है, अब इसका तो पूरा डिटेल अभी थाने से लेना है क्योंकि वो व्हीकल यहाँ से मूव करा दिया गया था चौकी की तरफ से, तो जो भी डिटेल है उससे मीडिया को भी करा दिया जाए। सर ये लोग आ कहाँ से रहे थे? सर
ये जो बताया जा रहा है देहरादून की तरफ से आए थे और इनको यहाँ से दिल्ली और मथुरा के लिए जो दो बातें आ रही हैं वो जाने की। ठीक सर, काफ़ी समय बीत गया है, 10 घंटे से ज़्यादा, तो क्या सर उम्मीद है? उम्मीद पूरी है कि रेस्क्यू जो है वो सही रहेगा और इसलिए पूरा एफर्ट्स में, प्रयासों में कमी नहीं है, टीमें बना दी गई हैं, दिन रात का रेस्क्यू एफर्ट लगातार चल रहा है और जैसा आप देख रहे हैं NDRF की जो मोटर बोट्स हैं वो भी लगातार यहाँ पर स्किमिंग कर रही हैं पानी में, उसको बार बार पानी को घुमा रही हैं ताकि जो भी हो जल्दी कोई आउटकम निकले।